होता है, प्रार्थना और बंदगी में फर्क होता है, किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। जूनागढ़ और गिरनार की ओर से प्रदीप मेहता का जय गुरुदार। त्रिग्रही राजयोग के तुरंत बाद 16 जुलाई से सिंह राशि की किस्मत बदलने से पैसों की जमाजम बारिश शुरू होने वाली है। जी हाँ, पूरे ब्रह्मांड में शक्तिशाली एवं ग्रहों के राजा सूर्यदेव आपकी दरिद्रता को पूर्ण करने जा रहे हैं। बीमारी, बेरुखी, मानसिक उलझन, छोटे विवाद एवं अनुसूचित समस्याओं को सुलझाने जा रहे है, क्योंकि सूर्यदेव 16 जुलाई से बुध की प्रभुत्व वाली राशि मिथुन में से निकलकर 16 अगस्त तक चंद्रमा की जल तत्व वाली राशि कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं और यह कर्क संक्रांति आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगी। सूर्य राशि परिवर्तन से जहां देश में तेज बारिश, आंधी, तूफान, बाढ़ जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा तो चांदी की खरीदारी भी बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था में सुधार के योग बनेंगे। लेकिन सबसे बड़ा प्रभाव सिंह राशि के जीवन में धन और वैभव के रास्ते खुलने के रूप में मिलने जा रहा है। तो आइए जानते हैं 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक आपके जीवन में क्या क्या घटित होने वाला है। सूर्य ग्रह वर्तमान में आपकी कुंडली में लग्नेश होकर 12वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं, यानी कि परिवर्तन करने जा रहे हैं, जिसके कारण 16 जुलाई से आपको विदेश यात्रा करने का अवसर मिल सकता है। जो जातक विदेशी कंपनी के साथ व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनको भी कार्य के सिलसिले में यात्रा करने का अवसर मिल सकता है। यहाँ तक कंपनी स्वयं आपको दूर स्थान भेज सकती है या फिर धन से जुड़ा हुआ लाभ मिल सकता है। सिंह राशि के जातक कार्य में चुनौतियों का सामना कर रहे थे, उनके विरोध बढ़ गए थे और वह आपकी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे थे और उसका असर आपके करियर पर पड़ रहा था, तो निश्चित तौर पर आप इन सारी बाधाओं से मुक्ति प्राप्त करेंगे। सूर्य इस समय वरिष्ठ अधिकारी सहकर्मी से सहयोग प्राप्त करवाएगा, उसके द्वारा आपको सपोर्ट प्राप्त होगा तो मानसिक रूप से चल रहे तनाव से भी मुक्ति प्रदान करेगा। सूर्य ग्रह के प्रभाव से जो जातक अपना खुद का उद्यम या व्यवसाय चला रहे हैं, वह नई नई योजनाएं बनाएंगे और ठीक ढंग से उनको क्रियान्वित भी करेंगे, जिसके कारण आपको ढेर सारा पैसा प्राप्त होगा। यदि आप संपत्ति खरीदने की सोच रहे हैं तो यह भी मुमकिन है। खासतौर पर जो जातक कार्य एवं रोजगार के लिए प्रयत्नशील है, जॉब ढूंढ रहे हैं, तो निश्चित ही इस महीने में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। आप नौकरी में कार्यरत है तो प्रमोशन भी होगा। यदि स्थानांतरण चाहते हैं तो उसके भी योग बने हुए हैं, क्योंकि सूर्य 12वें भाव में लड़ाई झगड़े में, वाद विवाद में विजय, बहस करने में लाभदायी, यात्रा परिवर्तन के द्वारा भी लाभ प्राप्त करवाते हैं। तो साथ में वह काम और मन बहलाव दोनों ही मसलों के साथ तालमेल बिठाने की अद्भुत शक्ति प्रदान कर सकते हैं। यदि आप प्राइवेट कंपनियों में अच्छी जगह पर स्थित है तो 16 जुलाई से ही आपको वहां पर कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। राजनीति, अभिनय, दलाली, मीडिया और पुलिस से संबंधित कार्य करने वाले लोगों को नए नए अवसर प्राप्त होंगे, तो सरकारी नौकरी मिलने की भी पूर्ण संभावनाएं बन रही है। 16 जुलाई से लेकर 27 जुलाई के बीच आकस्मिक धन लाभ, पैतृक संपत्ति का क्रय एवं शेयर बाजार में अच्छा खासा धन अर्जित हो सकता है, तो इस अवधि के दौरान आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का भी मौका मिल सकता है। फिर भी इस समय मित्रों से सतर्क रहे और गुप्त बातें न बताएं, वरना आपकी परेशानी कुछ विशेष बढ़ सकती है। निश्चित तौर पर सूर्य का राशि परिवर्तन आपको मान सम्मान प्राप्त करवाएगा, संतान से लाभ दिलवाएगा, आर्थिक स्थिति मजबूत करेगा, तो अचानक सरकार के माध्यम से भी कुछ सहयोग मिल सकता है। शासन प्रशासन से जुड़े मुद्दे हल हो सकते हैं, कार्य के लिए धन मिल सकता है, तो कोई बड़ा साझेदार या पार्टनर कोई नया प्रस्ताव रख सकता है, क्योंकि निश्चित तौर पर सूर्य इस अवधि में समस्त प्रकार की बाधाओं से मुक्ति दे सकता है। तो आप किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत भी कर सकते हैं, जहां एक ओर देश विदेश से संपर्क बढ़ेगा, विदेश में स्थित जातक अपना सामाजिक दायरा बढ़ाएंगे, धन की स्थिति को बढ़ाएंगे, तो प्रेम एवं विवाह को लेकर भी सुखद परिस्थितियों का लाभ उठाने में सफल रहेंगे। दोस्तों, हर व्यक्ति की कुंडली में सुयोग या दुर्योग विद्यमान रहते हैं। ज्योतिष के कई महायोग है जो व्यक्ति को जीवन की बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते, इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। हालांकि इस समय में वैवाहिक जीवन में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए संभल कर रहने की सलाह दे रहे हैं। साथ में मौसम जनित बीमारी, शारीरिक समस्या से भी आप परेशान रह सकते हैं, इसलिए खान पीन में विशेष सावधानी जरूर रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए खुशी की बात यह है कि इस अवधि के दौरान आपको कुछ भी प्राप्त करने के लिए अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। भाग्य के सहयोग से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।